तो अगर आप अपना अमेजोन पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर आपका इस तरीके का एरर आ रहा है केवाईसी एक्सपायरिंग प्रॉब्लम जैसा, तो वो भी आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व कर ले। एंड यहाँ पर एक्टिवेट करने से पहले यहाँ पर देखो, कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी टू कंटिन्यू यूजिंग द अमेजोन पे लेटर पोस्ट 16 दिसंबर से पहले पहले मुझे कर लेनी होगी, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली कंप्लीट पे क्लिक करना है। आपके में यहाँ पे बीच में कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वहीं पे क्लिक करना है, ये ब्लू कलर का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हम एक इंटरफेस पे जाएंगे जहाँ पर हमें केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो हम सिंपली आ चुके हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। कहीं कुछ और प्ले मत कर देना, मेरी हिस्ट्री वगैरह मत दिखा देना। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है, जो कि मैं अपना डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड और कैप्चा डाल दिया। अगर आपका कैप्चा सही होगा तो आप पहुँच जाओगे नेक्स्ट इंटरफेस पर। अगर आप चाहो तो अमेजोन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अमेजोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हो। तो हम यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे नीचे। एंड हम दूसरे वाले देख सकते हो, यहाँ पर एक जो आधार कार्ड में आपके में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर उस OTP को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आया नहीं है OTP। डालने के बाद सेट शेयर कोड तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। अगर यहाँ पर मुझे सेट भी करना पड़ सकता है कुछ भी, तो हम यहाँ पर अपना शेयर कोड बना लेते हैं एक। और OTP अब दोबारा आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसे वेरीफाई शेयरिंग कोड पर क्लिक कर दिए हैं एंड डू नॉट क्लोज लिख के दे रहा है। आपको किसी भी पेज को रिफ्रेश नहीं करना है और दूसरे पेज पे नहीं जाना है, ठीक है। तो वीडियो KYC होगी आपकी, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट क्लिक करना है नीचे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, तो हम अलाउ परमिशन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना होगा अपने हाथ में, आप फिर अपने पास रख लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर वीडियो कॉल कनेक्ट होगी। यहाँ पर थोड़ा लोकेशन वगैरह चेकआउट हो रहे हैं एंड कॉल कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे कॉल कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन जो मैंने रिकॉर्डिंग की है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, क्योंकि मेरी जो बात हुई है मतलब वीडियो कॉल पे, मैंने अपना पैन कार्ड वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे मैं पैन कार्ड देने वाला हूँ अपने काउंटर से निकाल के। तो इस तरीके से आपको पहले पैन कार्ड रख लेना होगा, नहीं तो वो गाली भी दे सकते हैं आपको। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। पैन कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कैमरे में आना है एंड आपकी एक पिक्चर क्लिक होगी और कॉल कट जाएगी और 10-20 मिनट बाद आपका जो एक्सपायरिंग हुआ है पे लेटर वो सही हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने अपनी गंदी सी शकल लेके अपनी अमेजोन KYC को कर लिया और थोड़ी देर में उन्होंने बोला है कि हो जाएगा सब कुछ कम्प्लीट। तो और आपको बता दूँ, ये ना 1 साल में एक्सपायर होता है, आपका 1 साल तक चला सकते हो, फिर आपको KYC करनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने अभी KYC की है 1 साल बाद, तो इस तरीके से आपको हमेशा KYC करनी पड़ेगी। और अगर आपको पैसों की नीड है तो मैं आपके लिए टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको डिस्प्ले पे एक वीडियो भी शो कर रहा होगा, आप इसको क्लिक करके देख सकते हो कि आप कैसे लोन ले सकते हो।